गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस चार्ज को हम किस तरह से मेजर करते हैं या फिर किन यूनिट्स में हम उसको मेजर करते हैं। अगर आप मास की बात करते हो तो यू ऑलवेज मेजर इट इन केजी, किलोग्राम्स और ग्राम्स, राइट? तो अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ चार्ज टुडे, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम अपने चार्ज की बात करते हैं तो उसका जो SI यूनिट होगा ना, SI यूनिट, दैट विल बी कूलाम, राइट? अगर हम इसके CGS यूनिट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट CGS यूनिट, तो CGS यूनिट इसका जो होता है दैट इज स्टैट कूलाम, राइट? स्टैट कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESU लिख लेंगे। ओके, आई हैव रिटन इट इन द शॉर्ट फॉर्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलाम जो है वो CGS यूनिट होता है किसका, चार्ज का। ऑलराइट, अच्छा अगर हम इनमें कन्वर्जन देखना चाहें तो क्या होता है। ऑलराइट, सो हमारा जो 1 कूलाम होता है दैट इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और स्टैट कूलाम। ऑलराइट, आई होप दैट्स क्लियर कि हमारा 1 कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ स्टैट कूलाम। अच्छा, एक और यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या है, लेट्स सी दैट। एक अनदर यूनिट हम देख लेते हैं, वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दैट इज 1 EMU एंड इट इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और 3×10⁻⁹ स्टैट कूलाम। और अगर हम देखें इस कन्वर्जन को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम्स। ऑलराइट, आई होप दैट्स क्लियर। तो ये था हमारा चार्ज की यूनिट के बारे में। अच्छा, एक और ज़रूरी बात जो मुझे आपसे करनी है, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज अच्छा एक और जो ज़रूरी बात मुझे आपसे करनी है दैट इज़ अबाउट एलिमेंट्री चार्ज और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल की तरफ जाता है या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जाता है, तब हम कहते हैं कि द मटेरियल्स हैव गॉट चार्ज्ड। तो हम ये देखना चाहते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो उससे चार्ज जो है वो कितना क्रिएट होगा। मतलब कि अगर आई हैव टू बॉडीज B1 एंड B2, राइट? अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें ये तो पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट चार्ज, ठीक है? सो एलिमेंट्री चार्ज हमें ये बताता है या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वो अपने साथ कितना चार्ज लेकर जाएगा। मतलब कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, इट इज़ बेसिकली द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, ठीक है? वी नो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर का चार्ज होता है, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ साइन, ये नेगेटिव होगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे रहने वाले चार्ज को ही हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। आई होप दैट्स क्लियर फॉर नाउ। अच्छा, अगर हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो स्मॉल ई है इट इज़ सम कॉन्स्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.6×10⁻⁹
कूलाम। ओके, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो चार्ज है दैट विल बी माइनस ई और इसका जो चार्ज है दैट विल बी प्लस ई। तो अगर किसी भी बॉडी पे आप चार्ज की बात करते हो तो इनिशियली वी विल सी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम ये बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो वो अपने साथ कितना चार्ज लेकर जाएगा और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट ई की जो वैल्यू दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम एंड ये जो वैल्यू है इट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। So that's all for today's video. Thank you for watching. Happy learning.